कैसे हो आप लोग गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस प्रकार के न्यू हिंदी सॉन्ग पे डीजे स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। मतलब जो सॉन्ग है वो हिंदी मतलब न्यू नहीं है, वो ओल्ड हिंदी सॉन्ग है लेकिन स्टेटस जो है वो न्यू है। ओके सो अगर आपको भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना है, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो गाइस सबसे पहले आपको एलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप एलाइट मोशन ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक डाल के पिन कर रखा है, आप वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है। यहाँ पे आपको दो लिंक मिलेगा, बिटमार्क एंड सेगफेड का। तो सबसे पहले आपको इन दोनों जो प्रोजेक्ट है इसको इंपोर्ट कर लेना है अपने एलाइट मोशन ऐप में। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे इस प्रकार से वेरीफाई होगा, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। सिंपली आपको इस प्रकार से वेरीफाई करना है एंड यहाँ पे जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे इंपोर्ट हो जाएगा, आप लोग दे सकते हो। सो गाइस अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फोटो को एड करना है। फोटो एड करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे मीडिया वाला आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है, आपको उसी फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर में आपका फोटो है। फिर गाइस जो भी फोटो आपको एड करना है उस फोटो पर टैप करना है एंड आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे फिल कंपोजिशन एरिया वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है एंड गाइस इस वाले एरो पे क्लिक करना है। एक बार अगर आप एक बार में बीट मार्क पर नहीं पहुंचते हो तो आपको दो बार क्लिक करना है, और आपने दो बार क्लिक किया तो आपको इस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके तो ये जो इमेज का लेंथ है वो यहाँ तक आ जाएगा बीट मार्क तक। फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड मीडिया पे क्लिक करना है एंड दूसरा फोटो को ऐड करना है एंड थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है एंड गाइस इस वाले एरो पे क्लिक करना है। अगर आप एक बार में बीट मार्क पर पहुंच जाते हो तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके तो इस प्रकार से आप अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड कर सकते हो और गाइस इसी प्रकार से आप अपनी सभी फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना। ओके सो गाइस मैं यहाँ पे सभी फोटो को पहले ऐड कर लेता हूँ, आप भी अपने सभी फोटो को इसमें ऐड कर लो, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे मैं अपनी फोटो को पहले ऐड कर लेता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो मैंने अपने सभी फोटो को ऐड कर लिया है। अब गाइस आपको करना क्या है, सिंपली सेगफेड वाला प्रोजेक्ट में आ जाना है, सेगफेड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ से आपको जो है सबसे पहले फर्स्ट वाला इफेक्ट को आपको कॉपी करना है। इफेक्ट कॉपी करने के लिए आपको इमेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी इफेक्ट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपको यहाँ से बैक आ जाना है एंड गाइस फिर से आपको बीट मार वाले प्रोजेक्ट में आ जाना है। अब गाइस जो एक नंबर का सेगफेड है ये यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, ये जो 10 सेकंड तक जो इमेजेस का लेंथ ज़्यादा है इसमें हम यहाँ पे इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करेंगे। इफेक्ट पेस्ट करने के लिए आपको सिंपली इमेज पे क्लिक करना है एंड इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप अपने इफेक्ट को पेस्ट कर सकते हो एंड गाइस आपको वहीं तक पेस्ट करना है जहाँ तक मैंने आपको बताया है। तो गाइस इधर जितना भी फोटो रहेगा आपको सभी फोटो में यहाँ पे इस वाले क्लिप गापी सॉरी गाइस इस वाले से इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके सो गाइस मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पेस्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है, 9 से 10 सेकंड जो भी फोटो है इसमें आपको पेस्ट करना है। इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको बैक आना है एंड बैक आने बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से सेकंड नंबर का इफेक्ट को आपको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद फिर से आपको बीट मार वाले प्रोजेक्ट में आना है एंड गाइस यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है। सो गाइस यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको आगे जाना है एंड गाइस यहाँ पे 10 सेकंड पे आपको यहाँ पे इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करना है। ओके मतलब 10 सेकंड के बाद जो इमेज है वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ओके सो गाइस यहाँ से लेकर आपको पेस्ट कहाँ तक करना है ये मैं आपको बताया था, सिंपली आपको पेस्ट करना है यहाँ तक 15 सेकंड जो भी फोटो है आपको पेस्ट करना है। ओके तो आप चाहो तो यहाँ पे एक बीट मार लगा देना इस प्रकार से एंड गाइस बीट मार लगाने के बाद सिंपली आपको इधर से पेस्ट करते रहना है। मतलब जहाँ पे आप वहाँ पे बीट मार देख लोगे तो फिर वहाँ से आप रुक जाओगे, वहाँ पे आगे आप पेस्ट नहीं करोगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके तो सिंपली यहाँ पे आप लोग देखते हो इस प्रकार से मैं पेस्ट कर रहा हूँ एंड गाइस इस प्रकार से आपको पेस्ट करना है एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो मेरा जो बीट मार्क है वो आ गया है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा 15 सेकंड तक, उसके बाद मैं बैक आ जाऊँगा। तो आपको बैक आ जाना है एंड यहाँ से जो 3 नंबर का इफेक्ट को आपको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है आपको एंड बैक आने के बाद फिर से उसी प्रोजेक्ट में आपको आ जाना है। ओके सो गाइस इस प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको सिंपली 15 सेकंड पे जाना है एंड 15 सेकंड पे जाने के बाद उसके जो आगे है आपको अपनी इमेज में पेस्ट करना है इस वाले इफेक्ट को। ओके तो आगे कहाँ तक पेस्ट करना है वो आप जाकर टैक्स में देख सकते हो। सिंपली आपको यहाँ तक पेस्ट करना है 21 सेकंड। ओके सिंपली यहाँ पे भी आप एक बीट मार लगा देना, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे अपने मतलब अपने आप बीट मार लग जाएगा। तो इस बार आप लगा सकते हो एंड गाइस इधर से आपको इफेक्ट को पेस्ट करते रहना है। ओके बीट मार पहले लगाना है एंड गाइस पेस्ट करते रहना है, जैसे बीट मार आएगा वहाँ पे आपको रुक जाना है। ओके वहाँ तक उसके बाद आपको इफेक्ट को पेस्ट नहीं
नहीं करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको तीन नंबर का जो इफ एड है उसको आपको पेस्ट करना है, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। एंड गाइस जैसे आप पेस्ट कर दोगे यहाँ पे तीन नंबर का इफ एड, उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सो गाइस यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से चार नंबर का इफ एड जो है उसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग ये हमारा चार नंबर का इफ एड इसको आपको कॉपी करना है। एंड यहाँ पे कॉपी करने के बाद फिर से आपको बैक आना है। एंड गाइस बिट मार वाले पॉजिट में आना है। एंड गाइस उसी प्रकार से आपको वहीं पर जाना है 20 सेकंड पे। ओके यहाँ पे जाने के बाद इसके जो आगे अपनी इमेज में पेस्ट करना है इस वाले फेड को। ओके तो कहाँ तक पेस्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप टेक्स्ट में भी देख सकते हो। तो गाइस आपको पेस्ट करना है वो है 29 सेकंड है। ओके 29 सेकंड पे आप बिट मार लगा देना इस प्रकार से। एंड यहाँ पे लगाने के बाद इधर से गाइस आपको सेकंड फेड पेस्ट करते जाना है। तो जैसे वहाँ पे बिट मार्क आ जाएगा वहाँ पे आपको रुक जाना है। इस प्रकार से आप पेस्ट कर सकते हो। ओके आप पेस्ट कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके उसके बाद फिर आपको बैक आना है एंड लास्ट लाइफ फेड को आपको कॉपी करना है। इस वाले फेड कॉपी करने के बाद फिर से आपको बैक आना है एंड बीट मारो वाले पॉजिट में आना है। एंड गाइस आपको 29 सेकंड पे चले जाना है। ओके क्योंकि हमने 29 सेकंड तक चार नंबर का फेड को पेस्ट किया था, आपका देना मैंने किया था। उसके बाद आपको यहाँ पे 30 सेकंड के बाद जो इमेज है इन सभी इमेज में लास्ट जितना भी फोटो है सभी फोटो में आपको इस वाले फेड को पेस्ट कर देना है, जो कि हमारा लास्ट मतलब लास्ट लाइफ फेड है। इसको आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब गाइस जैसे आप इतना पेस्ट कर दोगे आपकी जो वीडियो है वो बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके ऊपर शेयर आइकन पे क्लिक करना है एंड अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। इधर गाइस आप सभी फोटो में यहाँ पे सेकंड फेड लगा देना, मैंने नहीं लगाया था, बस मैंने आपको बता दिया है, बाकी इधर आप लगा देना। ओके सो गाइस फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है एंड अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।